मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। मुर्मू की जगह बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं। 3 बार बीजेपी से सांसद रहे और मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। हालांकि अब जम्मू कश्मीर के राजभवन की उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे 1 साल पूरा हो गया और इसी बीच बुधवार शाम को अचानक जीसी मुर्मू के इस्तीफे की खबर आई। मनोज सिन्हा को एलजी की जिम्मेदारी मिलने के साथ जम्मू कश्मीर के उच्चस्थ पद पर राजनीतिक एंट्री हुई है। मनोज सिन्हा पूर्व में गाजीपुर से सांसद रहे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा रहे, यहां तक कि वो 2017 में विधानसभा चुनावों के बाद सीएम कैंडिडेट भी और एक बड़े उम्मीदवार बनकर उभरे थे। 1 जुलाई 1959 को वो जन्मे। आईआईटी पीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक की, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, बीएचयू के विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष रहे और पूर्वांचल में बीजेपी के बड़े नेता वो माने जाते हैं। 3 बार उन्होंने चुनाव जीता। मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं पिछले कार्यकाल में और मोदी सरकार में संचार मंत्री भी रहे। 2019 का चुनाव गाजीपुर से वो अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई से हार गए। 3 बार लोकसभा के वो सांसद चुने गए। साल 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए वो निर्वाचित हुए। इसके बाद 1999 में फिर से लोकसभा के लिए वो सांसद बने और फिर 2014 में मोदी लहर में गाजीपुर से एक बार फिर से सांसद चुने गए। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव जिसमें एसपी बीएसपी का गठबंधन था, गाजीपुर से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। चलिए, क्या कुछ कहा है अपने उपराज्यपाल की शपथ लेते हुए मनोज सिन्हा ने, आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है और ये दायित्व मुझे मिला है जम्मू कश्मीर में एक भूमिका के निर्वहन का। 5 अगस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास में बन गई। वर्षों के आइसोलेशन से जम्मू कश्मीर राष्ट्र के मेन स्ट्रीम में आया है। मुझे जो बताया गया है कि पिछले 1 वर्षों में विकास के अनेक काम जो लंबे समय से नहीं हो सके थे, 1 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में किया गया है।